हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे आपने कमेंट किए, बहुत ही अच्छे से कमेंट किए, छठ पूजा ब्लॉग को इतना प्यार दिया, उससे ज़्यादा आप लोगों ने इंस्टा पे मुझे प्यार दिया, छठ उसमें यूट्यूब पे भी दिया बट इंस्टा पे आपने बहुत अच्छे से कमेंट किए, मेरा लुक को सराहा तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। कितनी बार मैं बोल चुकी ये बात लेकिन मैं सच में तहे दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतने अच्छे से कमेंट किए। मतलब होता है थोड़ा सा तो हो ही जाता है, खुद की तारीफ सुन लो तो या कुछ कुछ करो अगर वो सामने वाले को अच्छा लग जाए। और एक और सच बताऊँ, अपने जो भी है ना थोड़ा सा आप लोगों को भी देख के करना होता है कि हाँ आप लोग इतना प्यार देते हो, थोड़ा सा और कह रहे हैं, थोड़ा ये कह रहे हैं, थोड़ा वो करें जो आप लोगों को अच्छा लगे और आप बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट करो। तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जिसके बारे में पूछा, मुझे कॉमेंट किया, वो है मेरी साड़ी। यस, वो मेरी साड़ी है, उसका भी डिटेल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने पूछा हुआ है मुझसे ज्वेलरी का, तो मैं उससे ज्वेलरी आप लोगों को दिखा दूँ और बता दूँ। तो मेरी जो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी सेट है, ये बहुत प्यारी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, मुझे छठ पूजा से एक दो दिन पहले रिसीव हुआ था, इसमें भी कितना गड़बड़ हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। मैचिंग करना था मुझे अपने साड़ी से, ग्रीन ग्रीन साड़ी थी तो मेहंदी कलर की, और झुमका स्टाइल बहुत पसंद आता है इसमें। ये जो है ना कुंदन सेट है पूरा, ये अब देखो ये पूरा सेट जो है ये कुंदन का है, ये पूरा कुंदन लगा हुआ है, काफ़ी हैवी है, थोड़ा सा मतलब कॉस्टली है। तो ये मैंने मंगाया था मिंत्रा से, यस मैंने मिंत्रा से मंगाया था, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा, 2300-2400 का होगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये आप लोगों ने पूछा इसलिए मैंने सोचा कि इसका जो डिटेल है मैं दे दूँ आप लोगों को, लिंक जो है मैं दे दूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो पता है क्या है? इसका झुमका, इसीलिए मैंने ये लिया था, ये झुमका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो झुमकी स्टाइल में होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। आप पास से देखो सारा कुंदन का इस पे वर्क है और ये मोती लगे हुए हैं, हल्का पिंक रेड टाइप पे, ग्रीन ऐसे ऐसे, मतलब कि इसमें कलर थे ना जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मैं कब से ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था और मुझे मांगटीका भी पहनना था, तो मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा ठीक है ये सेट मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इसे कार्ट में डाल के रखा हुआ था, फिर मैंने ये मंगाया। और उसके बाद क्या किया ना कि मैंने ना जो मांगटीका है वो अलग से मंगवाया, कि मैं अलग से मंगवा देती हूँ, मांगटीका जो है मैंने अलग से मंगवा लिया। थोड़ा सा इसका कलर इधर उधर हुआ था बट ठीक है, दोनों एक ही दिन आ गया। ये रहा, ये मैंने मांगटीका, थोड़ा सा कलर इधर था लेकिन ग्रीन था, अच्छा लगा। पहले मैंने सोचा हुआ था कि मेरा उस मांगटीका सेट के साथ है जो भाई की शादी में पहना था, वो भी ग्रीन है, कौन सा ग्रीन होता है याद नहीं आ रहा, वो कौन सा ग्रीन बोलते हैं याद ही नहीं है, कौन सा ग्रीन बोलते हैं भाई की शादी में जो पहनने के लिए लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने वो भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सोचा एक बार पहना हुआ है छठ में कुछ अलग लेते हैं, कुछ नया लेते हैं जो बहुत अच्छा लगे, तो वो इसलिए मैंने लिया। इसलिए मैंने उसे, मैंने सोचा कि ठीक है उसको फिर कभी पहन लेंगे, अभी ये पहन लेते हैं। तो ये वाला सेट मैंने अलग अलग मंगा के और मैचिंग का कर लिया। और एक और जो बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जो हमेशा बोलती हूँ कि जो प्रियाशी वाला जो आपको ज्वेलरी मिलता है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, चाहे वो आप अमेजोन से मंगाओ या मिंत्रा से मंगाओ, इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होती है। तो प्रियाशी लिखा हुआ जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इसके आगे बाप रे बाप, इसके प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, 8764 रुपये। ये देखो, लेकिन ये 8000 का नहीं, 2400-2500 का ऐसा कुछ है, तो ये मैंने ले लिया था। और उसके बाद सेकंड जो है ना, आप लोग ज्वेलरी के साथ साथ ना मेरे नथ की बहुत तारीफ कर रहे थे, नथ बहुत अच्छा लग रहा था, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे काफ़ी टाइम से मेरा मन था वो पहनने का, तो मुझे मिल नहीं रहा था, फिर मैंने वो लिया, वो भी प्रियाशी का ही है लेकिन वो अमेजोन से लिया है, तो उसकी भी क्वालिटी अच्छी है, वो नथ भी इतना प्यारा है, इतना अच्छा है। पहले तीज पे सोचा था पहनने के लिए, लेकिन मुझे ना वो भी पहनने का सोचा, छोटा सा नथ और वो, तो वो मैंने तीज पे पहन लिया और इसे सोचा कि छठ पूजा में पहनूंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये मैंने छठ पूजा में अभी मंगाया, दिवाली के टाइम पे आ गया था, तो ये मैंने मंगा लिया अमेजोन से। तो ऐसे करके सारा ज्वेलरी अलग अलग, देखो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कभी भी कहीं से सर्च ज्वेलरी कर रहे हो ना, जैसे किसी यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर जो है उनको छोड़ के अगर वैसे खुद से पसंद कर रहे हो, तो अगर आपको जो है ना मैचिंग का कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप एक एक चीज़ें उठा के मैच करके एक साथ पहन सकते हो, जैसे मैंने किया। नथ टीका कुछ नहीं था इसमें, अलग अलग था, लेकिन ज्वेलरी मुझे नेकलेस और ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि मुझे ईयरिंग्स झुमके स्टाइल में जो होता है ना मुझे बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मैंने क्या किया अलग अलग से इसे मिला के और सेट बना लिया और हो गया। और बैंगल्स का सेट तो खैर सरोजिनी नगर से बनवाया था, और बाकी जो नथ है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, उसका भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साड़ी जो है मैंने अपनी और मम्मी की अभी ले जाके रखी, ड्राई क्लीन के लिए देंगे वो, बिकॉज पानी में जो हम खड़े होते हैं ना तो नीचे से मिट्टी वगैरह लग जाता है, उसमें कटदाने लगे हुए तो वो ब्लैक पड़ सकता है, तो इसलिए मैं सोचा कि एक बार ड्राई क्लीन करवाते हैं फिर देखेंगे। अभी तो पता नहीं उसका नंबर कब आएगा दोबारा पहनने का, तीज का भी
ड्राई क्लीन के रखा हुआ अभी हुआ नहीं है, ठीक है, तो एक ही साथ करवा लेंगे। और बाकी मैं आगे आप लोगों को और डिटेल देती हूँ और वो साड़ी भी दिखाती हूँ, अच्छे से दिखाऊंगी पूरे अच्छे से, तब मैं उसका डिटेल। तो ये मैंने रखा हुआ था मम्मी की और अपनी साड़ी ड्राई क्लीन के लिए, बट मैंने सोचा कि ड्राई क्लीन के लिए भेजने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं साड़ी के लिए। सबसे पहले मैं ये दिखा दूँ, इसके लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो ये साड़ी पिंक कलर में है, यस आप लोगों ने देखा है, नोट किया है पिंक कलर। सबसे पहले पूछा है आप लोगों ने फैब्रिक की ये कौन सी फैब्रिक है, तो पता नहीं कौन सी फैब्रिक है, कोई सिल्क है, बट ये ना थोड़ा सा फिसलता है ना, जो ऐसे वाला सिल्क होता है वो वाला ये सिल्क है, और इसमें थोड़ा शाइन भी है ये देखो। बट इसका जो ये वर्क है, डिजाइन है, ये काफी अच्छा है। इसके लिए आप लोगों ने बोला हैंड वॉश क्यों किया, तो ये हैंड वॉश मैंने इसलिए किया बिकॉज नीचे बहुत ज्यादा मिट्टी लग गया था, बहुत ज्यादा बहुत खराब हो गई थी नीचे, उसको वॉश करना जरूरी था, उसमें पकड़ लेता, इसलिए मुझे हैंड वॉश करना पड़ा था, नीचे से ही बस इसको ऐसे साफ कर दिया था। और इसका जो वर्क है वो काफी अच्छा है, लुक वाइज भी ये साड़ी बहुत अच्छी है, आप लोगों ने देखा हुआ है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि इस डिजाइन में, इस पैटर्न में आपको साड़ी और भी बहुत सारे फैब्रिक में मिल जाएंगे, जैसे कि जॉर्जेट मैंने देखा, लेकिन हाँ आपको जो भी ऐसी साड़ियां मिलेंगी ना वो लाइट कलर में मिलेंगे, ब्राइट कलर में नहीं मिलेंगे, लाइट पिंक, लाइट पिस्ता ग्रीन, लाइट क्रीम कलर, ऐसे कुछ, लाइट ऑरेंज, लाइट पीच, मतलब ऐसे कुछ कलर मिलेंगे आपको उसमें शॉप पे, ऐसी बस ये साड़ियां आती है। फैब्रिक अलग अलग, जैसे जॉर्जेट, ऑर्गेंजा, ये ऑर्गेंजा नहीं है, ये सॉफ्ट ऑर्गेंजा नहीं, ऑर्गेंजा नहीं है, या फिर सिल्क, एक और पता नहीं अजीब थोड़ा खुड़खुड़ सा ऐसे कपड़ा था, खुड़खुड़ बट अजीब लग रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे कपड़ा था, पहले मैं वही ले रही थी, वो इससे ज्यादा रेंज का था, बट क्या था ना उस साड़ी का जो ब्लाउज था वो कंट्रास्ट में नहीं था, और मुझे थोड़ा कंट्रास्ट चाहिए था कि ये लाइट कलर इसके साथ थोड़ा कंट्रास्ट में ब्लाउज रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये साड़ी जो है एक लड़की ले रखी थी, और मुझे उसमें का साड़ी और भी दिखाई गई, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मुझे वो साड़ी पहले से पसंद थी, बट उन्होंने ले लिया था, इसलिए मैंने बस उनको बोला कि अगर ऐसा है तो आप दिखा दो, पता नहीं वो बेचारे कहाँ से ढूंढ के लाए। तो गाइस ये जो साड़ी है ये ऑफलाइन है, ये मैंने अरुण वस्त्र भंडार से लिया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो ये साड़ी जो है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और इसकी जो रेंज है ये थोड़ी सी लो प्राइस में है, अब लो में से 2-2.5 हज़ार की नहीं है, थोड़ी ज़्यादा की है, बट उन साड़ियों के मुकाबले थोड़े कम प्राइस में है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद ये मम्मी की साड़ी जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जब मैं लेने गई थी तभी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये अरुण वस्त्र भंडार की है ये भी साड़ी, मेरे पास बहुत हल्का लाइट वेट वाला जो कपड़ा होता है ना, सिफोन है शायद, तो पतला कपड़ा होता है, ये जॉर्जेट सॉफ्ट वाला वैसा है कुछ, इस पे जो वर्क है ओरिजिनल मिरर, पर्ल, जरकन और कटदाने, इनके वर्क है, और बहुत ही सुंदर लग रही है साड़ी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। मम्मी ने एक सिंपल से साड़ी पसंद की थी, ब्लू कलर में ही वो भी पसंद की थी, जबकि मैंने उस ब्लॉग में बताया हुआ था कुछ ब्लू साड़ी दिख रहा है ना, मम्मी ने ये पसंद किया था, लेकिन मैंने मना किया, जैसे मम्मी पापा को ऐसा लगता है ना माँ बाप को कि चलो ठीक है हम थोड़े से ना वैसे ही पहन लें, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा पहने ऐसे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मम्मी के लिए फिर मैंने बोला कि नहीं मम्मी दूसरा देखते, दूसरा, तो ये साड़ी मम्मी ने पसंद की, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो ये वाली हम साड़ी लेके आए, इसमें रेशम वगैरह का सबका, तार वार का सबका वर्क है, बहुत सुंदर है, वर्क के बावजूद भी इसका कलर जो है, सॉरी वेट जो है वो हैवी नहीं है, बहुत सही है इसका वेट। इसका जो ब्लाउज है वो कंट्रास्ट में है, आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे एक पिक लगा दूंगी जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, ब्लाउज लाई हूँ सॉरी, इसका ब्लाउज जो है कंट्रास्ट में है, ये है इसका ब्लाउज, ऐसे वर्क वाला है, बहुत सुंदर सा है। और मैं आप लोगों को एक लास्ट में एक चीज बताने वाली हूँ कि क्या हो गया, बहुत बड़ी गड़बड़, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हमारा, समझ नहीं आ रहा क्या बोला, चलो ठीक है, ये देख लिया आपने साड़ी, पल्लू पे यही वाला वर्क है पूरे में, ये रहा पल्लू, ये पूरे पल्लू में साड़ी, आप लोगों ने कमेंट किया हुआ था, आप लोग कहते हैं ना ऐसे कि मम्मी की पसंद की साड़ी क्यों लेते हो, मम्मी की पसंद की साड़ी क्यों लेते हो, तो मम्मी की पसंद की साड़ी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि मम्मी की जो पसंद है वो काफी अच्छी है। अब आ जाइए मेरी साड़ी की बारी, जिसमें ब्लाउज जो है कंट्रास्ट में नहीं उसी कलर का है, ये रही मेरी साड़ी, जो कि ये जो साड़ी है किसी ने पूछा था बनारसी में है इसमें उसमें, लेकिन ये शायद वही कपड़ा है जो मम्मी वाला है, लेकिन इसको वो दुकान वाला जो भैया है वो जॉर्जेट बोल रहे थे, तो शायद जॉर्जेट में है, और पूरे में ना ये वर्क है कटदाने का, जरकन का, और पता नहीं क्या क्या, ये पास से आप लोग देख लो, और इतनी प्यारी लगेगी ये साड़ी, मैंने सोचा नहीं था, मैं सोची थी मम्मी ये कलर नहीं ले क्या पसंद, फिर भी मैं मना कर रही थी, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं ये कलर अच्छा लगेगा, ये भी अरुण वस्त्र भंडार की ये साड़ी, वो इसे एक ही दिन लेके आए थे, तो
इस कलर को मम्मी कह रही थी नहीं अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा, मैं थोड़ा सा डाउट कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा हटके है अलग है ले लेते हैं। लेकिन जब मैं लेके घर पे आई थी ना, तो पतिदेव जी जिस दिन मैं ब्लाउज और पिको के लिए से देने जा रही थी, उन्होंने मुझे निराश कर दिया, बोल दी ये कोई पूजा पाठ के लिए कलर होता है, ऐसे कलर क्यों लिया है, साड़ी अच्छी नहीं है, ये है वो है, ये फिर भी ठीक है, पिंक वाला मम्मी वाला फिर भी ठीक है, लेकिन ये वाली ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे बोलने लग गए। अब मैं थोड़ी सी मायूस हो गई, मम्मी से भी बोली, मम्मी कह रही जान दो बोलने दो अच्छी लगेगी साड़ी, है ना पूरे में, ये देखो आप बॉर्डर देखो कितना चौड़ा सा है। खैर साड़ी तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी हुई है, पहनी हुई साड़ी देखी है, तो ये साड़ी बहुत प्यारी थी। और ये साड़ी और ये जो मम्मी वाली साड़ी है ये थोड़ी हाई रेंज की है, इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ज़्यादा रेंज की ये है। मैं रेट इसका इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैं बता देती हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं था, बस वही जो पहले भी बोल चुकी हूँ अभी भी बोल रही हूँ कि ये जो हमारी साड़ियाँ होती है ना, हम ऐसी साड़ियाँ बहुत कम लेते हैं, बट ये थोड़ी सी हमारी हाई प्राइस की होती है, इसका जो रेट होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसलिए नहीं बताती कि वो जैसे सोअप जैसे आप लोगों को लगने लग जाता है आप फिर। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं कि दिया बता दोगे तो हमें आइडिया रहेगा, तो आपको बता दूँ उस शॉप पे ना रेट फिक्स है, तो जो वो रेट उसमें टैग लगा होगा आपको उसी रेट में मिलेगा, तो आप जानो या ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस शॉप पे जाओ अपना लो, कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही, मतलब आपकी मर्जी है, एक भी साड़ी आप ले सकते हो। मुझे बहुत सारे लोग वहाँ पे मिले जो कहीं कहीं से आए हुए थे अपनी उनकी शादी थी ब्राइडल लहंगा के लिए और साड़ियों के लिए, तो मिल जाते हैं जब भी हम जाते हैं तो, और बोलते हैं हम आपका वीडियोस देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाली जो सब साड़ियाँ थी वो वही की है और बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाली, जो नुकसान हुआ है वो हमारा नुकसान हुआ है हमारी इतनी महंगी साड़ियों के साथ, कि जो ब्लाउज है ना मैंने सिलने के लिए दिया था, वो अंकल पता नहीं सिल के क्या करते हैं, तीज वाले ब्लाउज के साथ भी यही हुआ था, तो हमें लगा कि नहीं शायद ऐसी होगा, हमें पता नहीं चला होगा कंट्रास्ट में ब्लाउज से जो भी, फिर जैसे ही बन के आया मैंने नापने के लिए निकाला इसको, तो मैंने देखा ये देखो इसके कटदाने जो है ब्लैक पड़ गए, इतनी महंगी साड़ी का ब्लाउज में पैसे खराब हो गए, तीज वाले का भी ऐसी ब्लाउज हो गया, तो इतना दिमाग खराब हुआ। फिर मैंने ना जैसे ही देखा अपना, उसके बाद मैंने उठाया मम्मी के ब्लाउज की, मम्मी में भी कटदाने हैं देखती हूँ, तो मम्मी का देखा, मम्मी का भी ऐसे हुआ पड़ा है, तो हमारी इतनी महंगी महंगी साड़ी को ब्लाउज का ये हो गया सत्यानाश, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। और जो तीज वाला ब्लाउज है वो भी ऐसा हो गया, तो मैंने उसी टाइम ही उनको फोन किया और बताया, कह रहे नहीं बेटा हम क्यों करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्या ही बताऊँ, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ उनको, जान बूझ के तो किया नहीं होगा, बट बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे बोला होगा कि छठ पूजा के बाद मैं आके आपसे जरूर मिलूंगी और आपको दिखाऊंगी क्या हुआ क्या है ये हमारे साथ, तो ये ब्लाउज जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है, मतलब आप देखो खुद से देखो, मैं आपको मिला के दिखाती हूँ, इस कटदाने में और इस कटदाने में देखो कितना फर्क है, इसीलिए दिमाग और ख़राब हो रहा है, इतने महंगे साड़ी का नुकसान सत्यानाश। बाकी आगे से ध्यान रखूंगा, पता नहीं मम्मी के लिए प्रेस मार देते हैं या क्या करते हैं, बोला भी कह रहे कपड़ा रख के हम प्रेस करते हैं, कटदाने पे ऐसे प्रेस करेंगे तो हमारा प्रेस खराब हो जाएगा, तो एक्सक्यूजेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं जब किसी से गलती होती है, जो लोग कुछ चीज़ें खराब करते हैं। तो खैर छोड़िए, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारे वीडियो जो है प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये आप लोगों के लिए हेल्प के लिए था, कि आप लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से लिया है, क्या क्या कैसे अरेंज किया है, सो मैंने बता दिया 2 दिन में सूट करके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे प्यार देते रहिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू।